हैं राजधानी जयपुर से बड़ी खबर इस वक्त देख रहे हैं, जहां पति और ससुराल वालों से परेशान महिला को नहीं मिल रहा है न्याय। लंबे समय से जो महिला है गुहार लगा रही है, शराब के नशे में मारपीट और गाली गलौज करने का जो मामला है पति के खिलाफ दर्ज कराया है महिला ने। पीड़िता ने 5 दिन पहले चित्रकूट थाने में ये पूरा जो परिवार था इसको दर्ज कराया था, उसके बावजूद भी पुलिस का जो हाल है वो डुलमुल रवैया जो कह सकते हैं सामने आ रहा है, किसी तरह की हरकत नहीं दिख रही पुलिस प्रशासन द्वारा। पीड़िता को अभी तक जो न्याय है, किसी तरह की राहत कह सकते हैं, वो नहीं मिली है। महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को लेकर सक्रिय नहीं दिख रही है जयपुर पुलिस। साथ ही आपको बता दें, महिला सुरक्षा को लेकर भजनलाल सरकार पर गंभीर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि महिला सुरक्षा की बात होती है और इसी बीच राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं हमें टीवी स्क्रीन पर, जहां एक महिला लंबे समय से ससुराल वालों के खिलाफ परेशान होकर पुलिस के पास जाकर गुहार लगा रही है। मामला यह है कि शराब के नशे में मारपीट और गाली गलौज करने का जो पूरा मामला है, पीड़िता ने 5 दिन पहले चित्रकूट थाने में मामला दर्ज कराया था, परिवार दर्ज कराया था, उसके बावजूद भी जो पुलिस प्रशासन है किसी तरह से एक्टिव नहीं आ रहा है, नजर आ रहा है किसी तरह का जो एक्शन नहीं लिया गया है ना जाने क्यों। और इसी बीच पीड़िता को अभी तक जो किसी तरह की राहत है नहीं मिल रही है, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, किसी तरह का अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है। और सबसे बड़ा जो सवाल उठता है कि भजनलाल सरकार मोदी सरकार पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर महिला सुरक्षा को लेकर इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं।